मंडलायुक्त जयंत नालिकल ने जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह एवं अन्य अधिकारियों के साथ बढ़लगंज के होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में बन रहे 50 बेड के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां पर अधिकारियों के साथ बैठक करके कार्य की प्रगति एवं मानव संसाधन एवं ऑक्सीजन आदि के बारे में जानकारी हासिल की। मंडलायुक्त ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि वहां पर दवाओं की पूर्ण व्यवस्था रहे, इसके अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट आदि को भी ठीक कराया जाए। मंडलायुक्त ने मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर राजकिशोर से वहां पर तैनात किए गए डॉक्टरों की ट्रेनिंग कराने का निर्देश देते हुए सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात करने का निर्देश दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने कहा, ये सब हमने किसी से छोटा है, सब कुछ लगता है टेक्नोलॉजी की बात में, तो ऐसे ही होता है टेक्नोलॉजी की बात में, तो ऐसे ही होते हैं। निर्देश यह है कि इसको तुरंत जो है हम कोविड फैसिलिटी डेवलप करें, और वही प्रयास चल रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसको हम मुझे लगता है दो दिन में हम अपनी तैयारी व्यवस्था में पहुँचाएंगे कोविड फैसिलिटी के, और इसीलिए हम सभी लोगों को देखिए अभी कोविड पर जोर है, अभी कोविड संक्रमण से बचाने पर जोर है, ये वक्त और किसी फैसिलिटी को इनोग्रेट करने का नहीं है। सीएमडीएस से हालांकि हम लोगों ने उसके लिए प्रगति के बारे में पूछा है और उसमें दो तीन चीज़ों में उनको कुछ शेयर्स लग रही हैं, कुछ लग रही हैं, तो कह रहे हैं कि ये काम एक महीने में हो जाएगा, क्योंकि अभी कोरोना कर्फ्यू भी चल रहा है तो चीज़ें हो सकता है होने की संभावना। हाँ, तो उसको इनोग्रेट करना कब हो शासन स्तर से तय किया जाएगा, लेकिन अभी उसकी संभावना छीन है, छीन है, अभी कोविड का ही फोकस है, कोविड फैसिलिटी को क्रियाशील कर। बाकी होम्योपैथी कॉलेज के काम का आप पूछ रहे हैं ना, वो पूर्ण हो जाने दीजिए, अब वो देखिए जैसा प्रोग्राम निर्धारित होगा उनकी तरफ से उसी पर हमको कुछ कहना है।